जावेद मकबूल साहब अल हीरा उर्दू स्कूल मेहरुद जलगांव। ऑनलाइन दर्स व तदरीस में आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, सेठ राम प्रसाद अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। सेठ राम प्रसाद ने ड्राइवर से कहा गाड़ी ठीक करा ले और खुद पैदल अपनी घर की तरफ चल पड़े। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन्हें एक गरीब औरत दिखाई दी जो ठंड की वजह से कांप रही थी। आपको उस पर रहम आया, आपने उसे अपनी शाल दे दी। उस बूढ़ी औरत ने शाल लेते हुए सेठ राम प्रसाद को दुआएं दी और शाल ओढ़कर सो गई। इसी तरह दूसरे दिन सेठ राम प्रसाद घर की तरफ जा रहे थे। उनकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो ठंड में कांप रही थी। आपने अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकाया और उस बूढ़ी औरत के पास गए और पूछा कि आप कांप क्यों रही हो, जो कल शाल दिया था वो कहाँ है। उस बूढ़ी औरत ने कहा वो शाल मैंने मेरी सहेली को दे दी जो सामने सो रही है, उसे बहुत तेज बुखार है, मेरे से ज्यादा उस औरत को इस शाल की जरूरत थी। सेठ राम प्रसाद तो इस बूढ़ी औरत की हमदर्दी से इतना असर हुआ कि उन्होंने अपनी दूसरी शाल भी उस बूढ़ी औरत को दे दी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस बूढ़ी औरत की हमदर्दी। तो आइए जमात चहरुन से नज़म नंबर 22 हमदर्दी, इसके मुसन्निफ है डॉक्टर अल्लामा इकबाल। इस नज़म की तरन्नुम में मैं बुलंद खानी करूंगा, आप बगौर समात फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।